बीजेपी के मंत्रिमंडल के विस्तार पर आस लगाए पूरा हरियाणा बैठा था, लेकिन गुरुवार को सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 10 मंत्री शपथ लेंगे। रिपोर्ट देखिए। 21 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, जिसका परिणाम 24 अक्टूबर को सामने आया। परिणाम ने यह बता दिया कि हरियाणा में अकेले अपने दम पर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद शुरू हुआ गठजोड़ का खेल और बीजेपी ने जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। दिवाली के दिन 27 अक्टूबर को प्रदेश को मुख्यमंत्री भी मिल गया और उप मुख्यमंत्री भी, लेकिन यहीं से मंत्री बनने की एक ऐसी रेस शुरू हुई जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली के अनगिनत चक्कर काटने पड़े और आखिरकार 18 दिन बाद बुधवार को मंत्रिमंडल की धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आई और इतना पता चल गया कि गुरुवार के दिन चंडीगढ़ में 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन मौजूद रहेंगे। 18 दिन बाद हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, गुरुवार के दिन भी पूरा नहीं होगा। महज 10 मंत्री ही गुरुवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि इन 10 में बीजेपी के कितने विधायक होंगे, जेजेपी के कितने विधायक होंगे और कितने निर्दलीय विधायकों को मौका मिलेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जेजेपी की तरफ से 14 विभाग की मांग की गई थी, लेकिन 12 विभागों पर ही सहमति बन पाई है। निर्दलीय विधायकों की मांग को भी पूरा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। हालांकि 10 नवंबर को मनोहर लाल की अमित शाह से मंत्रिमंडल के मसले पर आखिरी दौर की बातचीत हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर मुहर उन्होंने लगा दी है। अब पूरे प्रदेश के अलावा हरियाणा के राजनीतिक दलों को भी इस बात का इंतजार है कि मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को जगह मिल पाती है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट।